तो ये देखो बिलाल भी उनके साथ में पूरा हेल्प कर रहा है। वो दुश्मनी मेरे से थी, वो मेरे से मेरे मेरे को छोड़ के वो गाड़ी का जाके शीशा फोड़ दिया था और दो दफा टायर भी काट चुका था। देखिए आ रहा है ना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में ना मैं आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आज मैं जा रहा हूँ फाइनली अपनी गाड़ी का ना एक ग्लास लगाने के लिए, क्योंकि अभी इंश्योरेंस वाला कंपनी तो रिजेक्ट कर दिया, जो मैं क्लेम किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। तो अभी फाइनली मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, जस्ट अभी उन दोनों को रूम पे छोड़ा हूँ और छोड़ के अभी जा रहा हूँ सीधा ये रूम के पास है, वहाँ गिलास चेंज कराता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ और गाड़ी भी वॉश कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों अभी शीशा लगवाने के बाद ना फिर आऊँगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, गाड़ी को वॉश कराऊंगा पूरा, क्योंकि गाड़ी मेरी ना बहुत ही गंदी हो गई है। एक महीना हो गया गाड़ी को वॉश कराए भाई, अभी लमसम शीशे को टूटे हुए हैं बिना, एक महीना हो गया है। सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोग को। आज यार मालूम नहीं क्यों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ये बते में, ये वाला जो दमाम रोड है ना, क्योंकि आज सैटरडे है, आज तो मतलब ट्रैफिक का कोई चांस ही नहीं है बनता है, लेकिन फिर भी ना बहुत ही ओवर ट्रैफिक है यार आज। तो ये बिल्कुल मेरे रूम के पास ना, और वो सामने अलबैक खुल रहा है, सामने अलबैक है और ये इधर मतलब ग्लास चेंज होता है, इधर पूरा शॉप है ग्लास चेंज। तो अभी क्या होगा ना कि मैं दस दिन पहले मैं आया था इधर, पूछा था तो पता नहीं ये वाली शॉप थी या ये वाली शॉप थी, पता नहीं या ये वाली थी या ये वाली थी, तो वो बोल रहा था कि हाँ है गिलास। अभी ये वाली शॉप से एक बंदा आया, बोलता है कि नहीं गिलास नहीं है। अभी देखो इसमें चलता हूँ, पूछता हूँ, देखो क्या पता चलता है। चलो ये बता रहे हैं कि इनके पास है ना, तो यही वाली दुकान थी। और यार देखो ना ट्रैफिक कितनी आज लगी है, बहुत ही ओवर ट्रैफिक लगी है। सामने सिग्नल है और जो मैं अलबैक दिखा रहा था, देखो सामने ये अलबैक है, अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन होने वाला है। तो चलो उनके पास गिलास है और मोल भाव भी हो गया है। और मैं इससे पहले आया था ना तो एक आदमी था, वो बता रहा था 150 रियाल। तो आज आया तो ये मेरे को बोल रहा है कि 120 रियाल। तो मैं बोला 100 रियाल में लगाएगा कि नहीं भाई, 100 रियाल में लगा दे। तो बोलता है चलो ठीक है 100 रियाल में लगा देता हूँ। तो डन हो गया है, तो गया अभी शीशा से लेके आ रहा है। और ये बिलाल इधर साफ सफाई कर रहा है, शीशा लगाया था। ये पूरी शीशे की दुकान ही इस साइड में है, बहुत सस्ती देते हैं लोग। और मेरे गाड़ी का ये शीशा ना ये वाला, तो इसको भी चेंज करवाना है। तो ये बता रहा है मेरे को 220-230 रियाल का बता रहा है, 200 रियाल का लग जाएगा। तो सोचता हूँ लगवा दूँ क्या यार अभी इसी एक ही साथ में, क्योंकि मेरे को गाड़ी का फास्ट भी कराना है ना। तो 200 रियाल बता रहा है ना, देखता हूँ अगर हिसाब किताब सही रहा तो लगवा देता हूँ सामने वाला भी शीशा। देखो ना ये टेप ओप हम लोग लगा दिए थे, इसकी वजह से कितनी मतलब ख़राब दिख रही है, एकदम पूरी कचड़ा हो गई थी। अभी इसको ना साफ़ करवाना है उधर जाके ना, तो ये टेप है इसको निकालते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टेप मार दिए थे ना, क्योंकि उस दिन मैं जा रहा था एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जाते टाइम ना पूरा टेप ओप हम लोग लगा दिए थे। चलो अभी भाई आ गए हैं, अभी निकाल रहे हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई अभी खोल रहे हैं और देखो इसके अंदर कितना पूरा शीशा पड़ा हुआ था, देखो कितना शीशा था। और रकीब ग्लव्स बिलीद मुक्नी जी बाद मुश्किल है, परेशानी बढ़ जाती है यार, एक ना एक काम लग जाता ना तो परेशानी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा मसला ये क्या है ना, इधर यहाँ पे गाड़ी तो रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका जो मेंटेनेंस आता है ना ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है यार, कसम से बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अभी देखो ना 100 रियाल समझ लो कि अपना इंडिया का पड़ गया 2100, जो चिल्लर बनता है चिल्लर को छोड़ दो। तो इन भाई के साथ मैं भी लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ काम करा रहा हूँ, पकड़ के रखा हूँ मैं। देखो ना कितना शीशा पड़ा था यार, ये देखो अभी तो शीशा ना इधर, इसको कार्टून को भी फेंक देते हैं, ये देखो शीशा इधर ना, ये देखो पूरा शीशा इधर पड़ा है, अभी उसको बोलूँगा ब्लोअर से मार के उठाएगा पूरा। सो गाड़ी को अभी अंदर कर दिए हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी इधर खड़ी थी, तो अभी एक भाई की थी, उनकी हो गया काम, गिलास लग गया, उनका भी गिलास टूटा हुआ था, तो अभी मैं अंदर लगा दिया हूँ गाड़ी। और यहाँ पे ना बहुत सारा शीशा उसा है यार, मतलब सब शीशा मिल जाएगा, देखो अंदर कितना सारा शीशा है, उधर भी लगा रहा है पीछे का शीशा, पीछा लगा रहा है, और इधर का भी बैक साइड का, मेरा वाला सिर्फ साइड का है। चलो थोड़ा सा इनका हेल्प करते हैं ना, अभी ये खोलेंगे। तो ये देखो ना वहाँ पे ना मोटर होता है ना, ये मोटर है ना, यही मोटर शीशे को ऊपर नीचे ले जाता है।
तो ये ना इसको बहुत मेहनत से निकाले हैं भाई, अभी मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आ रहा है ना, ये इसके अंदर ना पूरा कचरा भर गया था, तो भाई बहुत मेहनत से पूरा निकाले हैं साफ होकर के, है ना। और ये जो शीशा टूटा था ना, इसकी मैं कहानी बताते चलता हूँ आप लोग को। ये शीशा इसलिए पूरा था ना, एक बंदा था उससे झगड़ा हो गई थी, है ना, तो वो अपना दुश्मनी निकालने के लिए गाड़ी का शीशा फोड़ दिया था। मेरे से तो दुश्मनी मेरे से थी, वो दुश्मनी मेरे से थी, और मेरे से मेरे को छोड़ के वो गाड़ी का जाके शीशा फोड़ दिया था। और देखा तो मैं नहीं हूँ अपनी आँख से, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि वही था। और दो दफ़ा टायर भी काट चुका था, है ना। तो बताओ, दुश्मनी अगर है तो आके मेरे से निपटो, ना कि गाड़ी से। गाड़ी से निपटे क्या फ़ायदा, गाड़ी तो बेजुबान है ना। तो दो दफ़ा मेरा टायर काट दिया था और गिलास का शीशा तोड़ दिया, तो बताओ। लेकिन उसको नहीं समझ में आ रही थी तो कि भाई, वो सोच रहा था कि मैं इसका ये टायर काट दिया हूँ, शीशा फोड़ दिया हूँ, वो अपने जेब से पे करेगा। नहीं भाई, मैं अपने जेब से क्यों पे करूँगा, कंपनी है, कंपनी पे करेगी, है ना। कंपनी किस लिए है, तो मतलब कि देखिए ना कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में यार। और छोटी सी बात पे बहस हुई थी, है ना, छोटी सी बात पे बहस हुई थी, तो वो लेके ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायलेंस हो गया था, तो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, दो दफ़ा टायर भी काट दिया था। चलो कोई नहीं, खैर जो भी होता है बहुत अच्छा होता है ना। तो देखिए अभी शीशा आ गया हमारा, लेके जा रहा है उधर, अभी वो चेंज करेंगे। तो अभी शीशा आ चुका है, क्योंकि शीशा यहाँ पे नहीं था ना, शीशा लोग कहीं और से मंगाया है, तो अभी लगाएगा और सामने है, निकाल रहा है भाई, ठीक है। अभी ना धीरे धीरे गाड़ी में ना काम बहुत सारा करवाना है यार, अभी ना बहुत बहुत सारा काम है जो मैं धीरे धीरे कराऊँगा। जैसे कि ये रबड़ है ना, ये रबड़ ना बिल्कुल निकल चुका है ना, ख़राब हो गया है रबड़ बिल्कुल, तो इसको पूरा चेंज करवाना है रबड़ को। बाकी तो सब सही है, सिर्फ ये बाहर का थोड़ा सा काम है ना, वो मुझे करवाना है। ये तो शीशा तो फालतू का ही मेरा पैसा खसारा चला गया। ये शीशा लेके आया ना, शीशा गलत लेके आ गया, क्योंकि गाड़ी का जो है ना, गाड़ी का मतलब कि ये लेफ़्ट साइड का है ना, तो वो राइट साइड का लेके आया, इस साइड का, और चाहिए था इस साइड का, तो अभी गया फिर चेंज करने के लिए। तो ये यहाँ पे कूलर चल रहा है, बिल्कुल कूलर के पास हम लोग बैठे हैं, एकदम ठंडी हवा दे रहा है भाई। ये कूलर बहुत ही अच्छा होता है, एक यही वाला कूलर है जो आसना के मजरे में वो लगाया कभी, यही वाला कूलर है, बहुत ही ठंडा करता है, देख लीजिए थोड़ा सा। ये लोग ना यूज़ करते हैं, बस इसको पानी चाहिए, पानी के लिए ना सिस्टम अगर सही हो ना, ये थोड़ा सा लीकेज कर रहा है, तो पानी अगर सही अगर आया ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मुझे जबर रहा है। ये ना एसी फेल है भाई, बिलाल देखो इधर बैठ के एकदम मस्त हवा खा रहा है। ये देखो ये भाई है ना, यमन के हैं, इनको अभी तक पता ही नहीं कि यूट्यूब भी मतलब पैसा देता है, यूट्यूब से भी पैसा कमाया जाता है। तो इनको अभी हम लोग बताए तो बोलते हैं हाँ यूट्यूब से पैसा मिलता है, इनको अभी समझाया। अजीत मालूम सा, चलो यार ये गिलास लेके आ गए, ये बहुत दूर से गया था गिलास लाने के, इसकी हालत देखो पूरा पसीने पसीना हो गया है, अभी लेके आया यार। हम लोग के आए ना पूरा यहाँ पे दो घंटा हो गया अभी तक क्लियर नहीं हुआ यार, क्या मुसीबत है। देखो गाड़ी भी चालू करके मैं छोड़ दिया था, बैटरी भी डाउन हो जाएगी, नेविगेशन चल रहा है इसका ना, बंद करके ही रखता हूँ सही रहेगा, क्योंकि बैटरी में बार बार मैं खोल रहा था, लेके जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाए। अभी गाड़ी भी धुलानी थी मेरे को, तो लगता है आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज टाइम ही नहीं बची है अभी, तो अभी कल ही साफ़ कराएंगे गाड़ी को। तो भाई देखो अभी शीशा लगा रहे हैं, है ना, और इसकी शायद सेटिंग कुछ इसमें लफड़ा है शायद, है ना, तो मेरे ख्याल से पता ना आएगा कि नहीं आएगा। ओ आ गया, चलो ठीक है, स्लिप व्लिप तो नहीं किया है कहीं से कोई। तो ये देखो बिलाल भी उनके साथ में पूरा हेल्प कर रहा है, रबड़ वबड़ लगवा रहा है, और इसको ना बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी थोड़ा सेटिंग होती है, सेटिंग ज़रा से भी मिस हुई ना तो फिर हो गया काम। ये देखो बैठा रहा है, उठा रहा है, कर रहा है, बहुत टाइम लगा दिया यार हम लोग का आज, ये बंदा आज हम लोग का ना यार बहुत टाइम लग गया। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ, अभी 6:13 हो रहा है ना, और अभी काम भी है बहुत सारा यार रूम पे, और कितना 5 बजे मैं इधर आ गया था, सॉरी 4:30 बजे, 4 या 4:30 बजे मैं इधर आ गया था, तो अभी देखो 6:13 हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरा शाम चला गया। चलो भाई फाइनली अभी लग गया है शीशा, है ना, तो ये बोल रहा है 2 दिन ऊपर नीचे नहीं करना है,
तो बोला चलो ठीक है, दो दिन ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो अभी दो दिन के बाद ही गाड़ी को वॉश कराएंगे। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को इधर ही नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए